बिग बॉस का हिस्ट्री में शायद सबसे ज्यादा नल्ला सीजन है ये OTT 3, जिसको बिग बॉस भी चाहते हैं, मेकर्स भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके भाई रैप अप करो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक हफ्ते में दो दो करके, जो कि लास्ट स्टेज पे जाकर होता है, अभी से होने लगा है एक हफ्ते में दो दो एविक्शन। फिर से हो गया है एविक्शन, वो है पौलमी दास का। जी हाँ, पौलमी दास हो चुकी है घर से बाहर। मैंने पहले भी वीडियो बनाते हुए कही थी कि पौलमी दास के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था अपने आप को प्रूफ करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए खुद के बात को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सबके साथ बनाने में ज्यादा फोकस कर ली, शायद इसलिए उसको घर से बेघर होना पड़ा। जैसे कि उन्होंने जो बाहर जाकर जो इंटरव्यू दिया था चंद्रिका के लिए, जब घर पे आकर वो चीज उठा तो उसपे वो अपने लिए स्टैंड ले सकते थे कि हाँ मैंने बोला है, तनके के चोट पे बोल सकते थे ताकि उसका जो एक पर्सनैलिटी है वो बाहर आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सबके साथ बनाने के लिए चक्कर में वो बाहर हो गई, लेकिन ये क्या, बाहर आते ही उन्होंने दे दिया है इतने बड़ा स्टेटमेंट बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस मेकर्स के बारे में, लेकिन क्या बोला है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। लेकिन सबसे पहले सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। रिक्वेस्ट करूंगी अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो एंड लाइक करना मत भूलना। सो पौलमी दास घर से बेघर होते ही किया है ट्वीट, और ट्वीट पे उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है बिग बॉस मेकर्स के बारे में, बिग बॉस शो के बारे में, जो काफी शॉकिंग है। तो चलिए बात करते हैं उन्होंने क्या बोला है बिग बॉस के बारे में, उसके बारे में। ट्वीट करते हुए पौलमी दास ने अपने ऑफिशियल पौलमी दास जो पेज है उसमें लिखा है, लव कतारिया विल ऑलवेज गेट द हाईएस्ट पब्लिक वोट्स इन बिग बॉस OTT 3, देयर इज नो डाउट अबाउट द बिग बॉस टीम हेट्स द फैक्ट, that's why Love Kataria will be eliminated via aapsi sahmati of contestant, Nazi is the fixed one। to ye Paulmi Das ka comment tha, lekin isme mujhe do char cheez bolna hai। mujhe strongly, maine pehle jitna bhi video banaya hai sab cheez mein, ye channel mera to bahut late se nahi hai, bahut new channel hai, main 17 se video banati hu is content ke upar। so agar main baat karu iske upar, maine pehle bhi kaha tha अगर बिग बॉस का ये होता कि वो फिक्स्ड विनर रखते तो कभी भी वो UK 07 को बाहर नहीं करता, ये तो भाई मेरा कन्फर्म्ड है। साथ ही साथ एमसी स्टैंड को नहीं जिताता, क्योंकि उनको पता है कि एमसी स्टैंड जैसे या फिर कोई भी यूट्यूबर अगर जीत जाएंगे तो एक्ट्रेस एक्टर लोग जो है आना नहीं चाहेगा शो पे, क्योंकि उनको पता होगा इन लोगों का फैन बेस ज्यादा है। और एमसी स्टैंड पे शो पे भी कुछ कंट्रीब्यूशन उतना नहीं था बाकी लोगों के तुलना, तो एमसी स्टैंड को नहीं जीता था। और UK 07 को इतना प्लानिंग प्लॉटिंग कितना कुछ करके बाहर निकालता ही नहीं, जो लोग बिग बॉस 17 देखे उनको पता होगा कितना प्लॉटिंग करके 17 से UK 07 को निकाला। और अगर बात रहे लव कतारिया को, तो लव कतारिया को बाहर वाला बनने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं देता अगर ऐसा कुछ होता, तो मुझे डेफिनेटली नहीं लगता। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आप सहमत पौलमी दास के बात से, जरूर कमेंट करके बताना। जैसे मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता भाई, क्योंकि प्रीवियस जो भी हिस्ट्री है देखते हुए, बिग बॉस एक गेम शो है, उनका काम है प्लॉटिंग करना, उनका काम है डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करना लोगों के लिए ताकि उसके ऊपर स्टैंड ले। लेकिन ये सीजन बहुत गंदा जा रहा है, कोई किसी का स्टैंड नहीं ले रहा है, मतलब चीजों पर बोल नहीं रहा, एंड बिग बॉस भी ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं जितना जल्दी हो सके ये शो ही, ये सीजन ही बंद हो जाए, रैप्ड हो जाए जितना जल्दी हो सके। तो मुझे लग रहा है वही कोशिश कर रहा है, नहीं तो बाहर वाला बेसिकली रिवील कर देता, तो सबके सामने जब बाहर वाला स्टैंड लेता तो वो देखना मजा आता कि वो उसके साथ सब लोग झगड़ा करते। यहाँ पर कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है और यू नो 2 मिनट बाद जाकर माफी मांग रहा है, तो आई डोंट थिंक इट्स गुड। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था लव कतारिया देखने में मजा आ रहा है, उसका बात सुनकर हंसी आता है विच इज वेरी गुड। रणवीर शोरे अच्छे कर रहे हैं, साई केतन काफी अच्छा लग रहा है, तो ये लोग अच्छा कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन आपको क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताना नहीं भूलना। क्या आप भी पौलमी दास की बात से सहमत हो, या आपको लग रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लव का चांसेस है, विनिंग मटेरियल है, वो अभी तक बहुत अच्छा कर रहा है कंपेयर करें बाकी लोगों से,
तो जाएगा, वो आगे तक जाएगा। आपको क्या कहना है जरूर डू कमेंट। यस, अभी के लिए मैं सुपर्णा देती हूँ इजाजत, इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सुपर थैंक्स कर सकते हो। एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।